नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इस महीने जो MP पटवारी का जो पेपर होगा उसका सिलेबस क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्या क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो ये पेपर आएगा हिंदी में और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। तो आप अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा क्वेश्चन, मतलब उसमें ऑप्शन दिए होंगे ऑप्शन वाले। और क्वेश्चन पेपर जो होगा दोस्तों, उसमें GK आएगी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, कंप्यूटर आएगी। और जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा, इसकी मेन खासियत है। और टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का। और टाइम ड्यूरेशन होगा 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का। पेपर जो मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि मैथ से क्या क्या आएगा। तो मैथ से डेसिमल्स आएगा, टॉपिक फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सर्किल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे और परसेंटेज से भी क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से आएंगे, ज्योमेट्री से आएंगे, यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब DI से, डाटा इंटरप्रिटेशन से। अब आते हैं कि कौन सा टॉपिक आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से आएंगे, फील्ड बुक से आएंगे क्वेश्चन, डिस्काउंट से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड टाइम से क्वेश्चन बनेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ का ये सिलेबस हो गया। अब देखेंगे इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा। इंग्लिश में दोस्तों वोकैब आएंगी, ग्रामर आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, स्पॉट द एरर आएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएंगे, स्पेलिंग्स आएंगे। तो दोस्तों, आप जितनी भी वोकैब तैयार करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वोकैब बहुत पूछी जाती हैं। अब आता है कि स्पेलिंग्स के बाद एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड्स आएंगे, idioms एंड phrases आएंगे, improvement आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, passage आएगा जिससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, verbs आएंगे, adjectives आएंगे, verbal comprehension passage आएगा और classes आएंगे, clauses। तो ये टॉपिक इंग्लिश के हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का क्या सिलेबस होने वाला है। तो दोस्तों, कंप्यूटर से आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो IT आएगी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग आएंगी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, प्रेजेंटेशन पैकेज आएगा, कंप्यूटर बेसिक आएगा, जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो उसके बारे में पूछा जाएगा, मतलब कंप्यूटर का विकास कब हुआ, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, कंप्यूटरों के प्रकार, ये सब पूछे जाएंगे कंप्यूटर बेसिक्स में। अगला आएगा मल्टीमीडिया से आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा और स्प्रेडशीट पैकेज से आएगा। अब देखते हैं कि हिंदी से क्या क्या पूछा जाएगा। बात करते हैं दोस्तों हम लोग अब हिंदी की। हिंदी में संधियां आएंगी, टेंसेस आएंगे और एरर डिटेक्शन, जो इंग्लिश का पैटर्न होता है, वर्ब आएंगी, क्रिया और पर्यायवाची शब्द आएंगे, समास आएंगे, स्पीच आएंगी, फ्रेजेस आएंगे और वाक्यों को सुधारना, ये भी आएगा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मतलब जो वाक्य होंगे उसको सही क्रम में लगाना, तो ये आएंगे दोस्तों, और मुहावरे आएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए।